हेलो एवरीवन वेलकम टू द क्लास इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेवेंथ ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे आंसर देने हैं बहुत डिटेल में नहीं देना है बट यस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाई डू द प्लेट्स मूव यानी कि जो प्लेट्स होती हैं वो मूव क्यों करती हैं देखो हमारी जो अर्थ है अर्थ के नीचे हमें पता ये बहुत सारी प्लेट्स हैं और प्लेट्स के नीचे ना मैग्मा है जो कि मोल्टन फॉर्म में है अब बिकॉज ये मैग्मा मोल्टन फॉर्म में है तो ये मूव करता है और जब ये मूव करता है तो इसकी वजह से फाइनली जो हमारी प्लेट्स हैं नीचे की वो मूव करती है जिसकी वजह से जो भी आप चेंजेस देखते हैं अर्थ को एक वाल क्या ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं ठीक है नाउ व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज दैम यानी कि जो अर्थ की मूवमेंट होती है वो इस बेसिस पे डिवाइडेड है कि कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स कॉज देम ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं द द एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज यानी कि फोर्सेज जो देखो नाम से पता चल रहा है एंडो मतलब समथिंग विच इज इन तो फोर्स जो एक्ट कर रही है अर्थ के इंटीरियर में ऐसी फोर्सेस को हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और ऐसी काम कर रही हैं उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे ठीक है तो बेसिकली जो अंदर काम कर रही हैं एंडोजेनिक एंड जो बाहर काम कर रही हैं एक्जोजेनिक जनरली जब भी हम एंडो और एक्सो वर्ड यूज करते हैं इसी को बताने के लिए यूज होता है कि कोई चीज अंदर है तो मतलब एंडो बाहर है तो एक्सो नरोन सिंपल सी बात है मैं एक नॉर्मल बेसिक से समझाना शुरू करती हूँ सपोज हमने पढ़ा है सॉइल इरोशन इरोजन में क्या होता है कोई भी चीज जो ऊपर की लेयर है वो रिमूव होना शुरू कर देती है किसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जैसे कि हवा आई तो वो उसको ले जाएगी पानी आया उसको ले जाएगा ठीक है तो अब सेम चीज है कि इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप यानी कि बेसिकली जहाँ जिस भी जगह की हम बात कर रहे हैं वहां का ना पूरा साफ होना ऊपर से उसका टूटना अलग होना एंड कौन सी चीजों की वजह से वाटर विंड आइस इन सब चीजों की वजह से जो इरोडेड मटेरियल है वो कैरी किया जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और विंड की हेल्प से एंड इवेंचुअली कहीं और जाके डिपॉजिट कर देते हैं मतलब ये चीजें कहीं और उसको क्योंकि हमेशा तो उठा के नहीं रखेंगी उसको फाइनली कहीं और डिपॉजिट कर देंगी दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ये जो आपका प्रोसेस है ना इरोजन का और डिपोजिशन का इसकी वजह से नए नए लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं जो बन रहे हैं ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं हाउ आर फ्लड प्लेन फॉर्म्ड तो फ्लड प्लेन कैसे बनते हैं देखो जब एक रिवर अपने बैंक से थोड़ा सा ओवरफ्लो करती है यानी सपोज हम बात कर रहे हैं कि पानी निकल गया ठीक है जिससे बह रही है वहां से पानी बाहर निकल गया दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया तो उसकी वजह से क्या होता है ना आसपास का जो एरिया है उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा भर जाता है एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट लेयर ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मेटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलोंग इट्स बैंक तो सपोज उसका किनारा था पानी बाहर निकल गया पानी बाहर निकल के उसने सेडिमेंट वगैरह सब इकट्ठे करने शुरू कर दिए बाहर की साइड पे ठीक है उसने जो फाइन सॉइल और मटेरियल थे वो बिल्कुल किनारे में डिपॉजिट करने इकट्ठे करने शुरू कर दिए इसकी वजह से क्या होता है फाइनली वो जो आसपास अच्छे फाइन सॉइल पार्टिकल्स थे जो चले गए जो काफी फर्टाइल थे उन्होंने फाइनली बनाना शुरू कर दिया फ्लड प्लेन्स तो आप ये देख सकते हो कि फ्लड प्लेन्स में आपको काफी फर्टाइल सैंड पार्टिकल्स मिलेंगे जो इसी से निकले हैं बार 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 जब पानी ओवरफ्लो हुआ उसकी वजह से ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं वाटर सैंडियूम्स सैंडूम्स क्या होते हैं देखो जब हवा चलती है ना तो वो सैंड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है ठीक है और उसके बाद जब वो हवा रुकती है तो सैंड वहां पे गिर जाती है और छोटे छोटे पहाड़ों जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं उनको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं अगर आप कभी राजस्थान के जा, साइड जाएंगे तो वहां जैसलमेर वगैरह के पास आपको ये बहुत सारे देखने को मिलेंगे बड़े बड़े प्रेत के टीले होते हैं वो बेसिकली सैंड के एक जगह से दूसरी जगह उड़ने की वजह से बने हैं ठीक है बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं नाउ द क्वेश्चन इज तो जो सी वेव्स होती है ना वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लाती हैं और किनारे पे छोड़ना शुरू कर देती हैं सी शोर्स के साइड में छोड़ना शुरू कर देती हैं जिसकी वजह से बीचेस बनने शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही व्हाट आर द ऑक्सबो लेक्स ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं वे अंदर रिवर एंटर्स द प्लेन जब रिवर एक प्लेन एरिया में एंटर करती है मतलब नॉर्मल एरिया में एंटर करती है तो वो ट्विस्ट और टर्न होती है ठीक है बहुत फ्लो से आ रही है नॉर्मल एरिया में आई तो बार बार उसमें काफी प्रेशर होता है काफी ज्यादा फोर्स के साथ आती है तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू कर देती है जिसकी वजह से उसके अंदर ऐसे ना देखो ये आप देख रहे हो टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर जो बनना शुरू हो गया तो ये मीडस बनने शुरू हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है क्योंकि ये मींडस बनने शुरू हो गए मींडस ना अपने आप को अलग करना शुरू कर देते हैं जो ये लूप्स बने हैं बेसिकली इन सबको हम लूप्स बोलते हैं तो ये लूप्स अपने आप को कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं और इसको फिर हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स ठीक है जब ये लूप्स अपने आप को कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं नाउ क्वेश्चन टू है टिक द करेक्ट आंसर इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा पिक्सलेटेड ना लगे विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स कौन सी चीज है कि जो सी वेव्स का इरोजनल फीचर नहीं है तो इसका राइट right आंसर होगा बीच ठीक है द डिपोजनल डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर जो डिपोजिशनल फीचर होता है ग्लेशियर का वो होगा मोरेन इसके बारे में मैंने कवर किया हुआ एनसीआरटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा सेवंथ जोग्राफी की प्ले में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी विच इज कॉस्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ इसमें से कौन सी चीजें हैं जो अर्थ के सडन मूवमेंट की वजह से फॉर्म होती है या होती है तो राइट आंसर वुड बी वर्ल क्या एंड मशरूम रॉक आर फाउंडेड मशरूम रॉक जो होती है इसके ऊपर अभी क्वेश्चन भी आएगा वो कहां पे मिलती है डेजर्ट एरिया में ऑक्सबो लेक्स आर in. ऑक्सबो लेक्स आपको कहां मिलती है यू फाइंड क्वेश्चन नो मैच मैच करना है, जो सही है आपको उसको चूज करना है तो ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो ग्लेशियर के साथ जो चीज मैच हो रही है दैट वुड बी यस रिवर ऑफ आइस यानी कि रिवर जो बर्फ की ठीक है उसके बाद मींडर्स की अगर हम बात करें स आपके बनने शुरू होते हैं जब रिवर पे प्लेन एरिया में आती है वो अभी भी पढ़ा है हम लोगों ने ठीक है तो वो जनरली बनना शुरू होता है विद रि उसके बाद बीच की बात करते हैं बीच के साथ एक ही वर्ड यहाँ पे सेट बैठ रहा है सबसे पहले ही दैट इज सी शो एंड देन सैंडून्स की बात करते हैं सैंड्यून्स आपके बनते हैं आपको देखने को मिलते हैं डिजर्ट में देन वॉटरफॉल की बात करते हैं वॉटरफॉल यानी कि नीचे हार्ड बैड रॉक दैट इज जी एंड अर्थक्विक की बात करते हैं अर्थक्वेक बेसिकली यहाँ पे हम ई यानी कि वाइब्रेशन ऑफ अर्थ ठीक है सो आई थिंक ये वाला हमारा हो गया है क्वेश्चन अब करते हैं गिव रीजन सम रॉक्स द शेप ऑफ मशरूम यानी कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जिनकी जो शेप होती है ना मशरूम शेप होती है तो हमको वही पता लगाना है कि क्या रीजन है कैसे देखो डेजर्ट में क्या होता है ना आप देखते हो कुछ रॉक्स जिनकी शेप मशरूम देखो मशरूम की अगर हम बात करें थोड़ा सा ऊपर से वो चौड़ा होता है ठीक है और नीचे से वो थोड़ा सा पतला होता है ठीक है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है मशरूम का तो कुछ ऐसी रॉक्स आपको मिलेंगी जिनको मशरूम रॉक्स बोलते हैं होता क्या है कि जब हवा चलती है ना वो जनरली नीचे वाले पोर्शन का ज्यादा इरोड करती है मतलब इरोजन ज्यादा होता है नीचे वाले पोर्शन का एंड ऊपर वाले का कम होता है तो ज्यादा अगर यहां से बार बार इरोजन होगा तो ये एरिया पतला हो जाएगा और ऊपर वाला एरिया वैसा का वैसा रहेगा बड़ा का बड़ा तो इसी वजह से क्या होता है ना जब आ, मतलब हवा चलती है तो नीचे वाला एरिया को ज्यादा एरोड करती है ऊपर वाले के कंपैरिजन में एंड इसीलिए ऐसी रॉक्स में नैरो यानी छोटा थोड़ा सा पतला नीचे का बेस होता है और ऊपर का काफी वाइडर टॉप होता है फ्लड प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज कई बार क्या होता है रिवर पानी जो रिवर का पानी होता है बाहर गिरता है उसकी वजह से आसपास के एरिया की फ्लडिंग हो जाती है ठीक है रिवर का पानी बाहर गिरा आसपास के एरिया की फ्लडिंग हो गई ये डिपॉजिट कर देता है लेयर ऑफ फाइन सॉइल अब उसके अंदर काफी फर्टाइल पार्टिकल्स हैं तो ये एक फाइन सॉइल को डिपॉजिट कर देता है और बाकी सेडिमेंट्स को एट द बैंक ऑफ द रिवर जिसकी वजह से फाइनली फर्टाइल फ्लड प्लेन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ठीक है सो ये सेडिमेंट्स निकलने से एक डिपॉजिट होने से जो फर्टाइल वाला पोर्शन है मतलब फ्लड प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं न क्वेश्चन अच्छा है ये वाला सी केव्स आर टर्न इन टू स्टैक्स पहले तो समझते हैं सी केव्स बनती कैसे सी वेव्स क्या करती है ना जो बार बार सी में वेव्स उठती है वो किसी भी रॉक में ना बहुत ज्यादा होल बना देती है देखो आप ये देख रहे हो ये सी केव्स इस तरह से होल बन गया ठीक है बार बार उसको स्ट्राइप कर करके उसके अंदर होल बना दिया अब ये धीरे धीरे जब ये कैविटीज बड़ी 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 होने लगती है तो पहले आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है सी आर्च उसके बाद फाइनली जब इरोजन होता रहता है होता रहता है होता रहता है तो सब कुछ टूट जाता है केवल ये स्टैक जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो ये बेसिकली बार बार यू नो स्ट्राइक करने से इरोजन होने से जो स्ट्रक्चर वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम स्टैक बोलते हैं तो सी केव से स्टैक कैसे बना वो इस फोटो में भी दे रखा है आपको समझ में आ गया होगा बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थ जब एक लिथोस्फेयर की प्लेट मूव करती है द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट

सो दैट वॉज इट हमने इस वीडियो में सेवेंथ का ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड का जो एनसीआर टी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिएगा आपको काफी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें आपको बाकी के क्वेश्चन आंसर्स एंड पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिलेगी और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे